सावन ट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मटर और मशरूम की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। ये है मशरूम जो मैंने एक पैकेट खरीदा है, इसे अभी वॉश करूंगी अच्छे से, वो दिखाऊंगी। और ये मटर तीन आदमी के लिए मैं बनाऊंगी ये, तो अभी मैं इसको धो के अच्छे से वॉश करके और जो जो करूंगी आगे दिखाती हूँ आपको। तो आगे आइए, चलिए मिलते हैं। तो ये मैंने वॉश कर लिया है इसे, ये देखिए वॉश हो गया है। अब मैं थोड़ा सा मटर को भी पहले धो लेती हूँ। तो अभी मैं गैस जलाकर और कढ़ाई चढ़ा ले रही हूँ अभी, और साथ ही मैं इसे मशरूम को कट कर लूंगी और इसे फ्राई करूंगी अभी। तो ये देखिए मेरा कट हो गया है पूरा। और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं रुमाली रोटी बना के दिखाऊं, मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है किस सब्सक्राइबर ने मुझे किया है। अगर मैं देखूंगी और ट्राई करके नेक्स्ट रेसिपी कोशिश करूंगी कि मैं जो है रुमाली रोटी का बना दूं। तो आगे मैं इसे अभी फ्राई करती हूँ, देखिए अब इसे फ्राई कर दूँ कढ़ाई में। ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये तेल गर्म हो गया है क्योंकि इससे धुआं निकल रहा है। अब ये मशरूम मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे फ्राई कर लूंगी थोड़ा। तो ये ढाई प्याज है मैं जो इसमें मसाले में डालूंगी इसे फ्राई करने के लिए, और ये दो तेजपात, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा जो मैं फोरन में डालूंगी, और उसके बाद मसाला पीसती हूँ, मसाला निकाल के आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये भी मेरा फ्राई हो गया है मशरूम, देख लीजिए आप लोग इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसमें फोरन डाल के प्याज डाल के फ्राई करूँगी। तो ये तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये फोरन डाल दे रही हूँ पहले अच्छे से, और इसे चला लेती हूँ एक बार। अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। और मुझे जो रुमाली रोटी की रिक्वेस्ट आई है वो मेरे फर्स्ट किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वो रहेगा कि मैं किसी के रिक्वेस्ट पे रुमाली रोटी या कोई भी रेसिपी बनाऊंगी। ठीक है, एंड थैंक यू जिन्होंने मुझे रुमाली रोटी का रिक्वेस्ट किया है। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें मसाला डाल दूंगी, ये देखिए। ये प्याज मेरा देखिए फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें जो है मसाला मैंने पीस के पहले से ही रखा है, ये देखिए, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी। होता ही है प्याज, लहसुन और अदरक और जीरा, तो मैंने थोड़ा ही डाला है एक चम्मच। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और नमक हल्दी डाल के इसे फ्राई करूंगी। एक चम्मच लगभग, नमक एक चम्मच या अपने स्वाद अनुसार, ना भी आपको खाना हो जैसा भी तीखा पसंद करते हो।
और ये थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च। गैस के फ्लेम को हाई कर दिया मैंने। थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मसाला फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें मटर डाल दूंगी अभी ये, क्योंकि मटर तो उबला हुआ था नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं अभी ही मटर डाल देती हूँ जो मैंने वॉश करके रखा था। इसी के साथ अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा मसाला। तो ये देखिए मसाला फ्राई हो रहा है, मटर भी फ्राई हो रहा है अभी, और अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें मशरूम डाल के तब पानी डालूंगी, और बाकी गरम मसाला तो मैंने इसमें डाल दिया है, फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए मेरा मसाला जो है फ्राई हो गया है लगभग, अब मैं इसमें मशरूम डाल दे रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखा है। अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ अभी। तो ये फ्राई हो गया है मशरूम और मटर, अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। ये देखिए आप अपने अनुसार इसकी ग्रेवी रख सकते हैं, मैं ज्यादा ग्रेवी नहीं रखूंगी इसे, लेकिन थोड़ा सा उबलने के लिए इसमें अभी थोड़ा ग्रेवी डाल के ढक दूंगी, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। उम्मीद है 15 मिनट के बाद तो मैं इसे खोल के अब देखती हूँ कितना हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा और होगा, मैं इसे थोड़ा ठीक ठीक ही रखूंगी और थोड़ा सा हो जाएगा फिर मैं इसे बंद कर दूंगी और आपको सर्व करके दिखा दूंगी। ये हो ही गया होगा अब, तो ये देखिए तो ये हो गया है, अब मैं इसे गैस ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा मटर मशरूम हो गया है कंप्लीट। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।